दुआए बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। जो मेरी अखा च अखा पाउंदी ना, मैं भूल जाना सारा कुछ। हाँ, पहले तू ना चाचा की दाढ़ के अंदर होता था, जदों उसने निकलवाया तुसी इत्थे आके बह गए हो। नाज़िम, मेरी आज की पहली मेहमान एक मशहूर मॉडल और टिकटॉकर है, जहाँ जाती हैं लोग इनके पीछे अपने दिल हार बैठते हैं। बड़ी प्यारी सी हैं, डॉली लियो। डॉली कैसी है? बिल्कुल ठीक। काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। मेरी बात सुनो, ये गाना बिल्कुल भी डॉली जी के ऊपर सूट नहीं कर रहा। उनके ऊपर सबसे अच्छा गाना जो जाता है ना, वो है डॉली 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 का दिल तुम पे आया डॉली, तेरे लिए दूंगा जान डॉली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है, जान है, डॉली डॉली। बल्कि तू डॉली नहीं ना, ये गाना गाया कर, केड़ा कंधा डॉली नु दे जे अमीर नु। पतले वाले ने पता नहीं महल च दसिया, मैं राणा बहुत चोरी बजाउन डे। चलो देख लो अपनी बहन को डॉली में भी बिठाना है जल्दी से। सारियां मेरियां भैणां बनाईयां नहीं, मैं बैंक लुट के भी आउणियां ने। नहीं, तेनू डाके मारन की लोड़ नहीं, जिस तरह की भैणा बना रहे ना, इन्होंने आप ही वेह जाना, बल्कि तेरा भी ख्याल करनगियां। और एक जैसा भाई हो ना बहनों का, तो बहने भाग के शादी कर लेंगी। डॉली ये बताइए, 50 तोला? Yes, exactly. 50 तोला, आजकल लड़कियां भी यार 50 तोला है। तू बता, तेरे पास कोई तोला है? तोला तोला तोला, मैं तोले में वेखे नहीं कभी, मेरे को इतना सोना है घर, इधर मैं सोना, इधर मेरे बच्चे सोना, ते पापी किसे सोना? मुल्तान भिजवाई है, कहंदा ठीक हो गई ना तो वापस कर ना भरा दो। अच्छा, जदों इहदी बुढ़ी बीमार हुंदी है ना, उहनूं बेचारी नूं मुल्तान भेज दिंदा, पता नहीं सोन हलवा खा के ठीक हुंदी है। आ मेरे सहुरे नूं सारा पता है। सियाणा है ना, अगर भाभी को नज़ला जुकाम भी होता है ना, तो रिश्ते देखना शुरू कर देता, कहता पता नहीं मेरी बुढ़ी ने बचना भी है कि नहीं। तेनूं कितें बाऊ वाले में विआहुणा, एडे एडे हत्थ जदों कमीज़ चुके उहने कहना इत्थों खुरक लग हो जाणी। लै जी, अज मन गया कि भैण नूं कित्थे विआहुणा, ओह भैण ते मैं कहिआ। अच्छा डॉली, ये बताइए, बड़े ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, कहीं पर भी चले जाओ ना, इसका ब्रांड मिल जाता है। कभी मेकअप करो तो उसकी लैश मिल जाती है, कभी किसी को आई मेकअप कर रहे हो तो ग्लिटर्स मिल जाते हैं। यार तेरे हर चीज फैली हुई है, हर काम फैला हुआ है, माशाल्लाह। तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है, और अब भी करती जा रही हूँ। कभी भी ये नहीं देखा कि ये इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो कोशिश यही है कि जितना अपना टैलेंट है लोगों तक पहुँचा सकूँ, और उनको कॉपरेट भी करती हूँ, उनका हाथ भी पकड़ती हूँ, उनका साथ भी देती हूँ। लखा रुपया लेंदे ने जाके जो मॉडलिंग करते हैं, 200 भी इंज करे आउंदी। तो बड़ी बात है, 100 रुपए भी चले गए, तू निकाल के दिखा, है तेरे पास? एंज एंज करूंगी। आइए जी बैठिएगा। नाथिन, मेरी दूसरी मेहमान एक अपकमिंग मॉडल और एक्ट्रेस है, तशरीफ लाती है प्यारी सी सोनिया चौधरी। I'm good. What about you? अल्लाह का शुक्र, बड़ी शादियाँ मेहंदियाँ टेंड हो रही हैं। शादी का सीजन है, है ना? सुनो, तो गिफ्ट भी तो बहुत देने पड़ते हैं। ऑब्वियस बात है, गिफ्ट तो हैं, शादी जहाँ जाना है वहाँ खाना है और गिफ्ट भी देने। तो तुम इतना काम करती हो, शोबिज में होती हो, मेहंदी शादी इन सब फंक्शनों पर टाइम पे पहुँच जाती हो, जाके खाली देख के आगे धमाल लगाती हो? समटाइम्स ऐसा होता है कि शादी पे पूरे टाइम पे तो नहीं पहुँच पाते, लेकिन उनके घर चले जाते हैं कि ताकि वो नाराज ना हो। यार शादी हुई होती है, रुख्सती हुई होती है, लड़की के दरवाजा खटखटा के कहती हो जी उठो। मेहंदी का फंक्शन है या कोई और फंक्शन, उस पे तो आप जा सकते हो, मायों पे जा सकते हो, तो ऐसे फंक्शंस पे तो अटेंड लाजमी करते हो। लेकिन साडी फीजा जिस भी शादी ते गई है ना, रोटी खान तो बाद जदों सलामी देन दी वारी आंदी है ना, फौरन एवी झूठा कान नु फोन ला लेगी। हां क्या हुआ ताई अम्मा को? अच्छा मैं आ रही हूं। मैं जिस भी शादी के फंक्शन में गई हूँ ना, एक बार मैं सलामी देती हूँ, एक बार मेरी असिस्टेंट देती है, हम तो दो दो जगह से फंस के आते हैं। वो इन्हें ब्याह दे बुलाउंदा ही कोई नहीं, आप ही जाती है, कौला फड़िया होता है, ए हाजी साहब थोड़ी बोटी पा दे कालू।
डॉली जी बताइए क्या हो रहा है आजकल, कितनी वीडियोस पे काम हो रहा है और पार्लर कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा, अब तो सीजन स्टार्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कोरोना ये सीजन जो स्टार्ट होता है, ये कौन सा सीजन होता है हमें भी बताएं देखने वाले। सीजन ये होता है कि शादियां होती है ना सर्दियों में बहुत ज्यादा लोग, और वैसे भी कोरोना की वजह से तो बहुत लंबा गैप आ चुका था, तो अब जो है वो बुकिंग भी स्टार्ट हो गई, उसके साथ हेयर का भी सारा काम चल रहा है, दूसरा बुटीक जो है उसका भी साथ साथ, तो इसलिए बाकी बहुत ज्यादा बिजी जा रहा है। बहुत ज्यादा जब स्किन ड्राई हो जाती है और कभी कभी मेकअप के क्रैक्स जो है वो फेस के ऊपर हो जाते हैं, बेस एप्लीकेशन सही नहीं होती है, और जब स्माइल भी करते हैं तो स्माइल लाइन बहुत टाइट हो जाती है, ऐसे अजीब सा फील करता है मुंह, तो उसकी क्या टिप है कि क्या करें ऐसा जिससे मुंह मॉइस्चर भी रहे, सॉफ्ट भी रहे, बेबी स्किन भी रहे और स्किन ग्लो भी करे? क्योंकि हमारा डेली रूटीन में बहुत ज्यादा मेकअप होता है और आपको पता है कि तकरीबन 24 घंटे 18 घंटे रूटीन है, तो उसके लिए मैं जो पर्सनली वो यही करती हूँ कि जब भी मेकअप रिमूव करती हूँ तो उसके बाद मैं ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके अपने मुंह पे लगा लेती हूँ। अच्छा। और वो फिर ओवरनाइट भी भर ले रहे, और मेकअप से पहले भी इसी तरह से पानी में ऑलिव ऑयल को मिक्स करके, आई फील लाइक कि मेरे तो लिए बेस सही टिकी रहती है, स्मूथ रहती है, बहुत ही अमेजिंग ग्लोइंग लुक आती है और बिल्कुल शाइन ऐसे फील हो रही होती है फेस में, मुझे सूट करती है, बट इट्स नॉट फॉर द ऑयली स्किन, आपने पूछा ना क्रैक्स आते हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा ड्राइनेस बेस फॉर दैट। ओके वाओ। अपना ना हामद रंगीला भी कह रहा है मेरा मुंह जना बड़ा ड्राई रहता है, फिर ते डॉली जी आए इन्होंने कहो कि मेरे मुंह का पेडीक्योर कर दे। ओए मुंह का पेडीक्योर नहीं होता है, फेशियल होता है, ओए जाहिला पता ही नहीं कोलो गल बनाई है। डॉली जी तुहाडे को कोई ऐसी क्रीम है कि भाभी जी हामद साहब नु चपेड़ पवे ते ओ क्रीम लाए ते निशान ना आए? वो क्रीम डॉली जी तो नहीं बता सकती, तो अपनी बीवी कोल मतलब चाची कोल रोज चपेड़ा खाता है, कोई ऐसी क्रीम लगाता जिस निशान भी कोई नहीं रहता ना निशानी कोई रहती है, तू ही दस दे। साढ़े यार ने कभी चाची को चपेड़ नहीं खाधी, और फिर जो भी खाता है वगाता छितर ही खाता है। अच्छा वैसे एक क्रीम है, क्रीम तो नहीं है कोई टोटका, ये हो सकता है कि सिर्फ एक ही सूरत है कि निशान ना पड़े, कि वो जब लगाने लगे तो ये बच जाए, मिस हो गया तो निशान नहीं पड़े। डॉली ध्यान पुआ देना, उन्हें नहीं मारना फिर भी उन्हें मैनू मारना है, उन्हें कहना कह रहे थे। इनका घर ना मेरे पड़ोस में है, एक रात ना इनके घर से ऊंची ऊंची आवाजें आए हंसने की, फिर एकदम से आवाजें आए रोने की, फिर आवाजें आए हंसने की, फिर आवाजें आए रोने की, मैंने घर की बैल बजाई, मैंने कहा माजरा क्या, एक मिनट में हंसते हैं पाले में एकदम से रोना शुरू कर दे, कहते हैं भाभी ना चपेड़े मार रही है, जदों लगती है तो मैं रोता हूँ, जदों मैं बच जाता हूँ तो मैं हंसता हूँ। मून ये बताइए बचपन से आपका शौक था कि आपने सिंगर बनना है, या फिर जो सिंगर्स हैं इनकी भारी भारी भरकम फीस देख कर आपने सोचा यार मैं सिंगर बन जाती? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज के मैं जब छोटी थी तो मुझे बकायदा ट्रेनिंग दिलाई गई और मेरे उस्ताद जी उस्ताद अनायत अली खान साहब, वाह वाह, पटियाला घराने से हैं वो, हामिद साहब के और असद साहब के ताया लिखते थे, बिल्कुल, तो मुझे उन्होंने सिखाया और ऐसे ही सिखाया जैसे उन्होंने अपने बेटे को सिखाया। वाह वाह वाह। अगर सख्त थे ना उससे ज्यादा नरम दिल थे, उन्होंने हमेशा बच्चों की तरह मुझे सिखाया। सबसे पहला गाना कौन सा सीखा था आपने? मैंने गाना नहीं सीखा था, मैंने पहले स्टार्टिंग में सरगम्स वगैरह जैसे क्लासिकल सीखते हैं जी, वो सीखा, बट वहाँ पे ना उस दौर में मैदान होते थे, शायद इन्होंने भी सुना होगा, चाचा जी तुसी ते रंगीला साहब, नहीं इन्होंने नहीं सुना क्योंकि आपने तो क्लासिकल सीखा है ना। हाँ जी। इन्होंने भी सीखा है, पूछे क्या क्या मैदासिकल। अच्छा जी, मैंने पहली दफा मैदान गाया था। मैदान गाया था या मैदान में गाया था? मैदान कहते थे उसको कि मैदान में गाना, पेड़ मैदान। हाँ जी, उसमें अपने अपने शागिर्दों को लेके जाते थे वो। अच्छा। जो ट्रेन्ड टीचर करते थे बच्चों को, तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो उसमें मैंने गाना गाया था रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाओ। कितने साल की थी आप? आई थिंक सिक्स क्लास में थी मैं। सिक्स क्लास में थी, तो हमें सुनाएंगी तो पता चलेगा कि आपने मैदान में मैदानी गाना गाया था। बिल्कुल बिल्कुल। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना, सीने से लग जाऊं बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, तुम जो चाची ने भी ना हमारे चाचा के सामने यही गाना गाया और एंड में ऐसे ही बोला जैसे आपने बोला, बोलो ना
इसने आगे तलाक दे दी। यार वैसे बनता नहीं था इनसे रूठना चाची का। ए चाची गूंगी सी ना, इनू इशारे ना यही गाना सुना रही सी। चाची गुंगी नहीं थी, पूरे मोहल्ले के साथ जाके बातें करती थी। इसके साथ बात करने की बारी आती थी ना तो गुंगी हो जाती थी। कहती है पूरे मोहल्ले के साथ बात करनी, तुझे मुंह नहीं लगाना। यार अहमद हाँ, तू भी बाजे बजाना है, इन्हें भी कुछ सिखा दे यार। चोरियां करनी है, सिखाइयां दे है। मार्केट दे विच एडी सफाई दे नाले मोबाइल कढ़दी ना, एडी तेजी दे नाल पटाका भी नहीं बंदा उंगली दा कढ़दा। आपने खबर दाजो मेरे भाई को कोई भी काम करने को, उसने जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करना है, पूछे क्या? क्या? जब मेरी शादी होगी बाजा बजाएगा। ए बिरयानी वालिया ने थाल दे विच चावल नहीं लाए होंगे? हां, ओदे विचों एडी सफाई ना बोटी चुकदी है भाई। यही टेलीफोन नंबर है, डम काम काम। मैथ कॉम करके आपको मॉडलिंग करने का ख्याल कैसे आ गया? मॉडलिंग में एक साल से कर रही हूँ, उस वक्त मैंने मैथ कॉम अभी शुरू ही किया था, तो मैं एज एन एंकर पर्सन तब वर्क करती थी, और उसके साथ ही मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आना शुरू हो गई, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। जब मैंने ट्राई किया तो उसके बाद मुझे लगा कि इसको चूज करना चाहिए। तो एंकरिंग आप कर रही थी ऑलरेडी, आपने फील्ड चूज कर ली थी? यस। तो यू वांटेड टू बिकम एन एंकर और नॉट अ मॉडल? मेरी फैमिली में परमिशन तो नहीं थी मॉडलिंग की, तो एज एन एंकर तो उनको कोई इशू नहीं था, बिकॉज ये एक अच्छी फील्ड है। तो एज एन एंकर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ें लगी, तो जब मैंने एक शूट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि यार नए नए कपड़े, नया नया ड्रेस और शूट्स, और उसके बाद मैंने इसको एज ए फील्ड ही चूज़ कर लिया, और अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ब्रांड्स भी किए हैं और चीज़ें की हैं, और अब मैं बहुत अच्छा काम किया एंकरिंग छोड़ दी। एंकरा को साड़ी फिजा इन्नी क जैलस आ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਕਰ ਕੋਲੋ ਲੰਘ ਜੇ ਨਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਬਕੀਆ ਹਿੱਸਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਯੋਰ ਫੇਵਰਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਰੋ ਸੇ ਕਰੇਂ ਬਾਤੇ। ਡਾਲੀ ਕੋ ਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਈਏ, ਸਟਾਰਟ ਕੈਸੇ ਹੁਆ, ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਾ, स्ट्रगल क्या थी पीछे, सपोर्ट किसकी? स्ट्रगल जो थी वो अकेली की थी, और मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा वो ये कि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी मीडिया में नहीं है। अच्छा। तो मैं अकेली थी तो उनके लिए बहुत अजीब था, लेकिन मैंने भी एकदम नहीं स्टार्ट लिया, आहिस्ता 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 मतलब लोग और उनका प्यार मुझे लाता गया, और मैं एक्सपीरियंस करती गई चीज़ों को, और वो लोगों को क्लिक करती गई, और मैं वो करती गई, और आगे फिर उसको रूटीन बना लिया। पहला प्रोजेक्ट क्या था, पहला काम क्या था, किस तरह से अपने आप को मैंने भी स्टार्ट जो है वो एंकरिंग ही की थी। पहले पीटीवी पे मैंने 2 साल किया होस्ट प्रोग्राम, उसके बाद गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर था यूके का मॉर्निंग शो, वो करती रही। स्टार्ट मेरा होस्टिंग से ही था। होस्टिंग से ही था, बहुत अच्छा किया तुमने एंकरिंग छोड़ दी। बहुत अच्छा किया, अदरवाइज आप फिजा की जगह पे बैठी होती, फिजा आज भी इशारे पे मांग रही होती। मैं इधर बैठ के भी मांग ही रही हूँ, असल में तो मांग मांग के गुजरता है, मांग मांग के थक गई थी, नहीं देते थे इसलिए छोड़ दी। और फिजा जी एक इशारे से ना गूंगा बन के मांग रहे थे, एक बंदे ने 1000 रुपया देता तो कहती अल्लाह तेरी खैर कर। मुंह ये बताइए, कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको आप फॉलो करती हैं, आपके फेवरेट सिंगर्स हैं, आप सुनती जरूर हैं गाड़ी चलाते वक्त, घर में बैठ के, रोने वाले टाइम पे, किसी को याद करने वाले टाइम पे? मैं मैडम की बहुत बड़ी फैन हूँ, जितने भी सिंगर्स हैं आज सिंगर्स बने हुए हैं, अरे वाह बेशक, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी मूवमेंट, स्टाइलिंग, उनके स्टाइल, वो जो एक एक मूवमेंट है ना, मैं कोशिश करती, मेरे अल्लाह बख्श उस्ताद जी कहते थे कि तू रुपया नहीं ना गा सकती, 25 पैसे गा दे, 20 पैसे गा दे, पर गाना ओह जी है, ऐ नहीं करना कि अपने कोलों विच रगां पा देनियां ने या ताना पा देनियां, नहीं, जो मैडम ने गाया ना वो गाना बड़ी जगह है। अरे वाह, मैडम के बाद अगर मुझे बेसिकली मुझे अच्छी लगी है शादियां मंजूर, हाय हाय हमारा चंदा जी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात, अब आपने शाजिया जी का नाम लिया तो मैं चाहती थी कि ये भी आप जरा कुछ गुनगुना दे। अभी मेरा गला ठीक नहीं है, आप अभी नहीं मुझे देख सकती, अभी आप गाएं। मैं उनकी बात कर रही थी जो लेजेंड्स हैं, चाचा जी ताड़े कोल कीड़ा लेजेंड वाला काम है। फिजा जी भी मैनू कह रहे मैनू मैडम क्या कर। अच्छा, मैं कहा ना को मार्केट च गाना ना गजल आया तो आड़ा, मैं क्यों कहां तन्नू? और मैडम इसलिए कि तू मेरे घर च काम करदा है। केड़े केड़े? तू मेरे घर की नालियां साफ करने नहीं आता? अच्छा, मेरा कूड़ा चुकने नहीं आता? हाँ जी हाँ जी। टाकी नहीं लगाता? जी जी। तो फिर उस लिहाज से मैडम गावा कर। देखिये जी, ये भी सिंगर है, इन्होंने भी कोई काम नहीं छोड़ा, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग,
होस्टिंग और क्या रह गया, साढ़े भी कम खो लेने और कुछ रह गया। रिश्ते भी करा लेने आजकल। नाड़ा तो कराया नहीं। नहीं नहीं रिश्ते नहीं कराए, तलाकें बहुत करवाई है, इसकी दो तलाक मैंने करवाई है। इस बेचारे दे घर ते दी बीवी ने तलाकां इंज टंगियां जिवें हैंगर ते बिजली दे बिल नहीं टंगे। इन्नियां बड़ियां पईयां तलाकां मैनूं आउणियां नहीं सी, फिजा दा ते मेरे खत फड़े गए सी। फिजा ये सच्ची बात है, लिखे मैंने किसी और को थे, इसने जाके उससे लेके खुद अपने घर में पकड़वा दिया। नहीं 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 फिजा इन्हें दे के भेज दी सी, किसी ने एक कार वाला था सी। मैं पढ़े थे। अच्छा फिर इन्होंने क्या कहा, ओ मेरी बहन का खत वापस कर दे। यार क्या हाल है सोनिया, आप मुझे बताइए एक्टिंग शेक्टिंग नहीं करनी है आपने, सिर्फ मॉडलिंग करेंगी क्या? एक्टिंग में पता है कितना पैसा है, कितना नाम बनता है, कितनी इज्जत बनती है। बिल्कुल, एक्टिंग में भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ, एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है और उस प्रोजेक्ट पे अभी हमारी वर्किंग हो रही है। तो क्या कैरेक्टर है, थोड़ा रिवील कीजिए। दो तीन कैरेक्टर्स हैं उसमें, लीडिंग पे एक मेरे साथ हैं, उसके साथ मैं हूँ और भी दो तीन लोग हैं, तो जल्दी आप देखेंगे। लीडिंग में आपके साथ कोई और है? हाँ, लीड में अभी मेरे साथ कोई और है और साथ मैं हूँ। साथ अहमद रंगीला है। फिर तो मैं छोड़ के ही चली जाती हूँ। मैनू हीरवना की कमी है, मैं 400 रुपया दे के ना को करा लांगा। क्या बात, कन्वेंस भी 40 रुपए का चिंची करा के। ओ पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 40 की चिंची कराऊं? नहीं नहीं चिंची पीछे बैग रख ली, नाल सना नू बिठा ली, आप अगे संजय दत्त जा रहे हैं। नाल प्रोटेक्शन दा लंगर भी करावांगा। क्या नान टिक्की पकौड़े ओवन च गर्म कीते परसों दे। सोनिया वैसे क्या मजा आएगा जब ड्रामे में आप हीरोइन होगी और मैं हीरो? बहुत बुरा लगेगा मुझे। किसको? आपको देख के पब्लिक को अच्छा लगेगा? अंकल और अंकल के साथ उनकी बेटी कैसा, बच्चा के साथ भतीजी कितनी बुरी लगेगी, आप खुद बताएं मुझे। कुड़िया तो टीरी तो नहीं है चाचा ही। आप चाचे से भी बड़े लग रहे हैं। मेरा बीमारी नाल होया सारा, चिट्टे नहीं है। यार हामिद भाई की एज इतनी ज्यादा नहीं है, बस नासा ही चौड़ी है। और नासा भी वड्डे वाजे ने कीतियां, छोटियां नासा सन, वो वजा वजा के जोर पैंदा ना इत्थे तां फुली। मुझे लगा नासों में कोई निब्बू रख गया था। और फिजा जी आप इन्ने पुराने ने कान नूं इन्ने कहा सी भाई ऐसे करो कां कां कां। अच्छा कह कौन रहा है वैसे? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਬਾਹੂ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾਲ ਵੇ ਬਾਹੂ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ। ਆਹ ਹਾ ਹਾ ਆਹ ਹਾ ਹਾ ਸ਼ੂਮ ਸ਼ੜਕ ਪੜਕ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਤੁਲਜੀ ਸੁਲਝਾ ਜਾ ਰੇ ਬਾਲਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਗੀ ਹੱਥ ਰੇ। ਕਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਰੇ, ਕਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾਲ ਵੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਕੁਝੀਆਂ ਠੂਠੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਵਾਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਰਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ 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 ਹਰਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ, ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਗੰਦਗੀ। अपना बंदा तेन बाहर लिया चीजा तो भी डरा सकते सी, लेकिन तू तो अंदर लिया चीजा तो भी डरे है। चल चल, तेरी निगाहों ने ऐसा जादू किया, ऐसा जादू किया, साडे कोलो भी इहो जिहा जादू नहीं होया। की नहीं नहीं हट 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 चल हट 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 ओना मैं बाहर लिया चीजा को नहीं डरता जिन्ना मेरा शिगिर्द मैनू डरा देंदा है। ए गल तू अज मन्या उस्ताद? उस्ताद हां फिर तरक्की करना चाहुंदा है तो मेरे पैर तो के पिया कर। फिने मु तेरा, तेरे पैर तो होके की पीवा, तू तो जिथे पैर तो ना लगदा गड्डी सर्विस कीती है, इधर मोबाइल पिया, इधर गंदियां टाकियां पईयां। सब तो पहलो तो बच्चिया तेरा काम असी कर ही नहीं सकते। क्यों? तू मेरे शिगिर्द गोड्यां नूं हथ लाई जा रहा, इत्थे तेरे प्यो ने लाने ने।
ला साडे गोडे नु हाथ। मैं ताडे गोडे नु क्यों हाथ लावा? मैं काम करना आया के वाजा सीखना आया? माही आवे गले फुलां नाल धरती सजावांगी, ओए ओनु दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी। छोटा वेगा ते फुलां नाल घूमत सजावांगी, ओदे आदमन कुर्सी ते ओनू बैठावांगी। छोटा वेगा ते आखी वखिया बड़ा कुछ कहणगियां रखियां, बड़ी वखिया बड़ा कुछ कहणगियां। लगन छड़े ताने मन पुछिया ना हाल मेरा तू सजन जावे जा जावे जा तक तर से पायल मेरी छड़ 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 जा। बाबा जी जादू कर रहे हो कि रियाज कर रहे हो? बेटे एनजी ए जिवें तीन साल तो तू हुकूमत च नहीं आ रहा, हुकूमत आने तू सिर्फ रियाज कर रहे। बाबा जी कोई ऐसा जादू करो ए लाडले दे नाल जिहड़ा सेम पेज खत्म हो गया सी दोबारा ना शुरू होवे। बच्चिया ए जादू दा काम नहीं, एदे लई खास चिल्ले कटने पैणगे। केड़े? ओ वी वजीर आजम हाउस दी दीवार दे नाल बह के बिल्कुल पढ़ांगे असी, अमल करांगे। की पढ़ोगे बाबा जी? तेरे नैणां ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, सोहणियां अखां वालिया मैं नहीं की तेरे ते। चल बाबा जी कोई ऐसा अमल करो ए पार्लीमेंट दे जिन्ने साडे वोट है ना आ जदों भी पार्लीमेंट दा इजलास होवे सारे पूरे होया करन। एदे वास्ते चिल्ला कटना पएगा, जेड़े रात नू फोन आउंदे ने ओ भी सारे कटने पैणगे, बंद कराउणे पैणगे। वड्डा खर्चा है मेरे बच्चिया। ओ बाबा जी किड्डा को वड्डा खर्चा है, असी मोटरवे बनाती तुहाडा खर्चा की चीज है? बाबियां नू सारा पता मोटरवे च भी तुहाडा फायदा होया है। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਅਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ਗਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਹੂ ਵਾਹੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕਰੋ ਜਾਂਗੀ ਤਰੀਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜੇ। ਮੂਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਮੂਰਖਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਟੋਪੀ 'ਚ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪੱਕੀ ਜੁਗਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਾਲਮ, ਕਿਉਂ ਦਿਉਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਕੀ ਲੈ ਕਿਉਂ? ਐ ਬਾਬਾ ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਐ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਿਓ ਨੇ? ਅਸਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੋਖੇ ਮਾਰਸਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪੰਸਾ ਨੱਕ ਕਪਸਾ ਤੇ ਕੰਨ ਕੱਪ ਛੋੜਸਾ। ਓਏ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਏ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਣਨਾ ਨਹੀਂ ਏ। ਮੀਕੀ ਨੇ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ ਏ? ਕੌਣ ਏ? ਪ੍ਰਾਣਾ ਟੋਕ ਖੱਬੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਨਾ ਸੋਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਚਾਲੋ ਕਿ ਕਿੱਥਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਦਿਲ ਲਗੀ ਕੇ ਲਈ, ਬਨ ਗਿਆ ਰੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਲਈ। ਆਪ ਕੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਸਤਾਰੇ ਹੈ, ਹਮ ਤਰਸਤੇ ਹੈ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬਣ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਿਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾੜੀ ਸੱਸ ਨੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਉੱਪਰ ਤਾਵੀਜ਼ ਕਰੀ ਛੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਨੀਆ। ਦਿਲ ਲਗਾਣੇ ਕੀ ਨਾ ਦੇ ਸਦਾ, ਦੂਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਈਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਝੇ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਜਾਉ। ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਖਾਵਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸਾਂ ਪਿਲਾਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਸੀ। ਫਿਰ ਤਵੀਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਣਗੇ ਹੱਸਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੰਝ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਓਏ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਕਰੋ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸਥਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ,
15,999 रुपए लैके आने ने, उहदे विचों 99 रुपए असीं तैनूं दे देंगे टाकी च डौले ना बन्नी, जिवें जिवें तेरा डौला इंज करेगा तेरी सस इंज इंज करेगी। बाबा जी 99 ते ठीक ने, 15,000 जरा छड दवो। बाबा पैसे बधा ला, बिल भी आया ही। बाबा जी मैं माड़े को इतने पैसे कोई नहीं। ते इथे नींबू लैन आए हो? बाबा जी अपने मुंह दे हिसाब नाल कोई 1500,000 मंगो, तुसी 15,000 मांगी छोड़िया। अगो जुगता करनी है बड़ा तेरा बिल्ली दे परसर का मुंह में। ताडे शिकर दे हिसाब नाल 150 भी नहीं बनदा जैसा इदा मुंह है। इनू बड़ी बारी क्या जंगला नु निकल जा, कहंदा मैनू चौंकां दा नहीं पता। एक बारी जंगला च गया सी, ओना ने कहा अगर तू जंगल च रहना है तो असी फिर शहरां च सही हां। एदी शक्ल वेखो ठप्पे मक्कू वर्गा मुंह है दा, बल्कि एदी शक्ल वेखो गली दा आखरी गटर होंदा जी। बाबा जी तेरा गौर ना मुंह वेखो, गरीब घर दी मां जस लगदी। जेहो जे एदा मुंह है ना, घर च चाबी ना भी होए ना ते 100 बोतलां बंदा एदे मुंह नाल ही खोल ले। और एदे मुंह नाल ना 100 ड्रिंक नहीं खोलनी चाहिदी, मिट्टी दे तेल दी बोतल खोलनी चाहिदी। बड़े चले बम वर्गी शक्ल है एदी। मुड़ जा टिच बदना दा पता होंदा। बड़ा तेरा मुंह जिवें छगना दा कूड़ा होंदा है। और नाल एदी शक्ल वेखो जिवें सवाद च आलू दबिया होंदा है। तू चुप कर जा, लेडीज दे नाल ना बोल। इधर वेखो छुरलीए जिहड़ी उत्ते जाके किन्ने रंग कढ़दी है, सबज लाल पीला हरा, एहो चिचड़े जिहनूं बच्चे कहिंदे ने चल तेड़ 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 तेड़। बाबा जी कुछ करो ना। ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਸਥਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਵੇ ਡੋਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਵੇ ਬੇਖਦਰਿਆ ਬੇਤਬਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ। ਹਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਜੇਖੀਆਂ ਮਲਾਈਆਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ 15,900 ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ 250 ਰੁਪਈਆ ਦੇਸਾਂ 150 ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਮਰਾਤ ਕੀ ਆਸਾਂ। मेरी ताड़ी फुफी दे घर शादी हो जाए। मेरे अमल दे नाल इहो जिहा काम नहीं होना। फुफी दे घर तैनूं अपनी तस्वीर भेजनी पैनी है, वड्डी के पासपोर्ट साइज वड्डी भेज दे, फलैक्स नहीं हुंदी, फोल्ड करके भेज दे थलों दी दरवाजे दे। तस्वीर भेज उहनां नूं ते नाल तेरी जुत्ती आउणी चाहीदी कन्नां ते टंग लई। बाबा जी वधण वाली कि तस्मे वाली? तस्मे वाली। बाबा जी कोई ऐसा अमल करो कि लोड तुसीं कराओ ते क्रेडिट मैनूं आए। ऐसा अमल ना करां तू बुड्ढी नूं तलाक दवे ते मेरे नाल विआह करा ले। बाबा जी तुसीं बड़े पहुंचे हो, हालांकि तुहाडे पहुंचे ही कोई नहीं। तू पहुंचे क्यों लभ रहे हैं मूर्खा, चूसने ने तू। बाबा जी माफ कर दियो। जा माफ कीता होए। माफ नहीं मेरा खुसा लो मूर्खा। मुड़ जा, साड़ के भस्म कर देंगे तेनू पता नहीं साडा। तेरे नैना ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, सोहनी अखां वाले मैं रह गई तेरे ते। बुड्ढी वांगू अज मैनू सजना उडाई जा उडाई जा उडाई जा, अज हो गई ठा 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 ठा, अंग अंग दे विच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार वे लुट लै मौज बहार। अज मैनू की हो गया, पहला पावा नचा गावा। चल मेरे मखना हस के एक वारी इधर तकना। जे मुंडिया मेरी टोर वेखनी गड़वा लै दे चांदी दा, लखी ले मजा जन जांदी दा। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ। ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਦਿਲਦਾਰਾ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਜਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਕੱਲਾ ਪਰੋਣਗੇ। ਰੋਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸਕੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। 50-30 ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 50-30 ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਲ, ਕੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਨਗਮਾਨਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਓਏ, ਨਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਪੋਤੇ ਵਾਂਗੇ ਸ਼ੈਰੀ ਬਾਬੂ ਲੰਘਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਾਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਗਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰੇ ਬਾਤੇ। सुनिए ये बताओ, तुम्हारा कोई रिश्ता आ गया? कहीं बातचीत चल रही है? अम्मी अबू की पसंद से करोगी, खुद अपनी चॉइस करोगी,
कैसे शादी करोगे? मुझे लगता है कि मैं अपनी चॉइस से करूंगी। अच्छा जी, कैसा होना चाहिए वो शहजादा? ए मैरून शर्ट दे उते ब्लैक वेस्टकोट पा के बैठा होवे। वो मैरून शर्ट के ऊपर ब्लैक वेस्टकोट क्यों पहनेगी? नहीं नहीं, वो अपनी गल कर रहा है, मैरून सूट ते ब्लैक वेस्टकोट ते ब्लैक मुंह लेके बैठा हो। ओ इतनी जल्दी मुंह काला करवा लिया? आउट सीजन दे कपड़े पाउण वाले आ, मेरी गल सुन। से मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? आपकी नासें बहुत चौड़ी हैं। अच्छा तो ये बताइए फिर कैसा होना चाहिए शहजादा और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारी फैमिलीज में या मुझे पर्सनली सिर्फ एजुकेशन से कंसर्न है कि उसको बात करनी आती हो, वो अच्छा बोल सकता हो। और चाचा जी देखना थल्ले मेरियां किताबां पईयां कि लत ना मार देना। रद्दी लेके आया ना अज? और रद्दी नहीं ओए, रद्दिया जाए। वो जो काले इल्म की किताबें नहीं है? इलम हासिल कर रहे हैं मैं, भावे मैनू कितने जाना पवे। नहीं नहीं, इलम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, बाजे बेच के किताबा ले रहे हैं। अच्छा एक तो हो गया पढ़ा लिखा है, दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए? आई थिंक उसकी हाइट मैटर मेरे लिए तो बहुत करती है। मैं हमेशा से ये सोचती हूं, मैं तो खलोना दे बदलों दे विच से ही बजदा ही मेरा। ओए लाइट डिग जाएगी, बह जा। अच्छा हाइट लंबी हो? हाइट लंबी होनी चाहिए बिकॉज़ मैं पता नहीं कितों कद एडा निकली। ओ बह जा लाइट डिग जाएगी। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਛ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲੋਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਛੂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਵੇ। ये भी देगे पकाता था और हर देग में नमक डाल देता था। अच्छा, ये घर गया तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने जर्दे में नमक डाला तो हम तुम्हें जूते मारेंगे। तो फिर कहता है कि मेरे सामने नमक भी ना लाना। उन्होंने मसाले ले आके रखे, ओथे किधरे बेच एक नमक का थैला भी सी, तो बैठा उते रो रहा और उन्होंने कहता है कि मैं तनु किया सी ना मेरे सामने नमक ना ले आओ, तो कहते की होया, तो कहते हूं मैं पा दिता है जरदे। जनाब चाचा जी ताडे लई पहले ये भी देगा पकांदे सी। अच्छा अच्छा, एनु एक बंदे ने किया जनाब चोल कला कला होवे, तो कहता अगो कि जिन्ने चोल है ना फिर उन्नी देगा लिया दे। ₹50,000 महीने ते नौकरी ते रखिया। क्यों? ये सिर्फ चक के दसदा है कि देख बहुत अच्छी। कहिंदा कैसी देख पकी? कहिंदा बहुत। अजीम विक्की भी नाई सीगा, ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਦੋ ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਆਹ ਮਦਰ ਰੰਗੀਲਾ ਵੀ ਨਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਬਹਾਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਡ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਲਿਖਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਨਾਈ ਸੀ, ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਚੌਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਗ ਪਕਾਈ, ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਚਾਚਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਸਦਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਝਾਮਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਹਾ ਮਦਰ ਰੰਗੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਇਲਾਮਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਬੰਨੀ। आपकी कॉमेडी से हम थक गए, तो जाहिर है आप भी थक गए होंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीबो गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं निर्मल से। नहाने के साबुन की 60 ग्राम टिक्की की कीमत में 15 रुपए का इजाफा। अच्छा, जब से महंगा हुआ ना साबुन, तो वैसे ही हमारे हामिद भाई है ना, ये साबुन कम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी नहाने जाते हैं, और जब नहाने गलती से चले भी जाते हैं उसके बाद साबुन जो है ना खुद नहाने निकल जाता है कंधे में टावल डाल के।
ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ। ਨਲਕਾ ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੱਗਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਗਾ ਦੁਬਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟੂਟੀ ਖੋਲਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਭਾਜੀ 15 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜੇ ਪਿੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਚਾਚਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹਾਉਣੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਰਮੇ ਦੇ ਸ਼ੋਪਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹਾਤੇ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਕਹਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਣ ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਅਜ਼ਰ ਨਸ਼ਈ ਪੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਬ ਨਹਾ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਨਾ ਤੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਵੀ ਖਾ ਜਾਤਾ। ਖਾ 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 ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਤੀ ਤੋਂ ਆਤੀ ਹੂੰ। ਬੜਾ ਜੂਠੇ ਜੋਗਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਲੇ ਚੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਸਾਗ ਪਕਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾਓ। ਬਹਿਨ ਕੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਕੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਮਾਮੂ ਕਾ ਮੁਫਤ ਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਂਟਨੇ ਕਾ ਐਲਾਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਨਿਆਜ਼ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਨਿਆਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੈਟਰ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ 6 ਲੀਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਡਾਲ ਦਿਓ ਇਸਮੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਹਾਂ ਵੀ ਤੁਮਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਲ ਮੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੱਖੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨਿਆਸ ਕੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚੀ ਜਾ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਝੇ ਆਧਾ ਲੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਵਿੱਕੀ ਨਿਆਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿਵੋ। ਅੱਛਾ ਹਜੀ ਔਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਾਲ ਪਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਲਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਲਮ ਲਾਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਹਸਾ ਦਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕੱਦੋ ਰਫਟੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਉੱਠੋ ਜਾ। ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।